प्रश्न दिया है कि सिद्ध कीजिए कि रेखाएं x माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल टू 2 माइनस y अपॉन 4 इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 1 और x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0 इक्वल टू 2x प्लस 4y प्लस 3z प्लस 3 बिंदु 9 ऋण 6 1 पर एक दूसरे को मिलती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम दिए गए रेखा का समीकरण लिखेंगे, एक दो जो हमें समीकरण दिया गया है, और दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण लिखेंगे। पहला समीकरण प्लस लैम्डा इनटू दूसरा समीकरण, इस तरीके से फिर आगे प्रक्रिया करेंगे। दी हुई रेखाओं के समीकरण x माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन माइनस 4 इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 1। देखिए समीकरण जो दिया गया था 2 माइनस y अपॉन 4 दिया गया था, तो हमने y के गुणांक को धनात्मक बनाने के लिए उससे ऋण 1 से गुणा कर दिया, तो इस तरीके से यह परिवर्तित हो चुका है। अब यह समीकरण 1 है। और जो दूसरा समीकरण दिया गया है x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 4y प्लस 3z प्लस 3। माना यह समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण तो दिस प्लस लैम्डा इनटू दिस लिखेंगे x प्लस 2y प्लस 3z प्लस लैम्डा इनटू 2x प्लस 4y प्लस 3z प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहां से x y और y z ये कोफिशिएंट्स को अलग अलग कर लेते हैं। देखिए x यहां पर है, ये x इनटू 1 प्लस 2 लैम्डा। सिमिलरली y तो ये 2 प्लस 4 लैम्डा और z यहाँ सबको मिल जाएगा 3 प्लस 3 लैम्डा और यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म बच रहा है दैट इज 3 लैम्डा इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि ये समीकरण 3 है और यदि ये जो समतल है, यदि यह समतल रेखा एक के समांतर है तो 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 3 प्लस 2 प्लस 4 लैम्डा इंटू माइनस 4 प्लस 3 प्लस 3 लैम्डा इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये समांतर होने के लिए कंडीशन है, आपको पता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 3 से 1 का गुणा करेंगे, 3 और 3 दूनी 6 लैम्डा, इसके बाद ऋण 4 दूनी 8 ऋण 16 लैम्डा धन 3 धन 3 लैम्डा बराबर 0। तो इसको सरल करेंगे तो देखिए ये है प्लस 6 लैम्डा और माइनस 16 लैम्डा, तो माइनस 10 लैम्डा और ये मिल जाएगा माइनस 7 लैम्डा। तो 3 और 3 6 तो ऋण 8 धन 6 तो मिल जाएगा ऋण 2 बराबर 0। तो यहाँ से यदि हम इसको सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा लैम्डा इक्वल टू माइनस 2 बाई 7, ये लैम्डा का मान हमें मिल गया। समीकरण 3 में लैम्डा का मान रखने पर इसलिए समीकरण 3 में लैम्डा का मान रखने पर रेखा 2 से होकर जाने वाले और रेखा 1 के समांतर समांतर
समतल का समीकरण है। तो ये जो लैम्डा का मान है समीकरण तीन में रख देते हैं तो मिल जाएगा x इंटू वन माइनस फोर बाई सेवन। देखिए ये लैम्डा के स्थान पर हम माइनस टू बाई सेवन पुट कर रहे हैं तो हमें ये मिल गया। फिर प्लस y इंटू टू माइनस एट बाई सेवन प्लस z इंटू थ्री माइनस सिक्स बाई सेवन प्लस प्लस तो नहीं यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि लैम्डा का मान माइनस टू बाई सेवन है, यहां पर रख देंगे तो माइनस सिक्स बाई सेवन आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। जब इसको पूरा सरल करेंगे तो हमें मिलने वाला है थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस फिफ्टीन जेड माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। पूरे समीकरण को हम तीन से भाग दे सकते हैं तो मिल जाएगा एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो। मान लेते हैं कि यह समीकरण चार है। स्पष्ट है कि रेखा जो एक है बिंदु तीन दो ऋण एक से होकर जाती है। तथा यह बिंदु समतल चार में भी स्थित है क्योंकि एक्स वाई और जेड जो निर्देशांक है तीन दो ऋण एक इसे समतल के समीकरण में रख देते हैं। देखिए समतल का समीकरण क्या मिला है एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो इसमें निर्देशांक रखते हैं तो ये तीन धन दो गुणा दो धन पांच गुणा ऋण तीन ऋण दो, इसको सरल करते हैं तीन धन चार ऋण पांच ऋण दो, चार और तीन सात पांच और दो सात, तो अल्टीमेटली हमको मिल रहा है शून्य। तो इस तरीके से यह सिद्ध होता है सत्य है। इसलिए दी हुई रेखाएं समतलीय है अर्थात एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। अब रेखा एक पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक हम ज्ञात करते हैं। अब वो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए x माइनस थ्री अपॉन थ्री इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन माइनस फोर इक्वल टू जेड प्लस वन अपॉन वन। अब इसको हम r के इक्वल मान लेते हैं और फिर x का मान y का मान और z का मान प्रथम और अंतिम पद की तुलना इसी प्रकार करके ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा थ्री आर प्लस थ्री माइनस फोर आर प्लस टू और r माइनस वन है। रेखा एक पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक ये है। चूंकि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है अतः r के किसी मान के लिए यह बिंदु दूसरी रेखा के समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। अतः 3 इंटू आर प्लस 3 समीकरण जो हमें दिया गया था यह है x प्लस टू वाई एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू जीरो। तो यहां पर इसके निर्देशांक को हम यहां पर रख देते हैं तो मिल जाएगा थ्री आर प्लस थ्री प्लस टू इंटू माइनस फोर आर प्लस टू प्लस थ्री इंटू आर माइनस वन इक्वल टू जीरो। सॉल्व करते हैं तो थ्री आर प्लस थ्री माइनस एट आर प्लस फोर प्लस थ्री आर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। देखिए
3 plus 3, 6R, minus 8R, that is minus 2R. अब माइनस माइनस 3 और प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4, ये इक्वल टू 0. तो यहां से आपको R का मान मिल जाएगा, R इक्वल टू 2. R इक्वल टू 2 जो मान हमें मिला है. और दूसरा, ये एक समीकरण जो था x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0, इससे हमने इसको सॉल्व किया था. और दूसरा जो समीकरण है, दिस इज 2x प्लस 4y प्लस 3z प्लस 3, इसमें भी हम मानों को रख करके देखते हैं. तो 2 इंटू 3r प्लस 3 प्लस 4 इंटू माइनस 4r प्लस 2 प्लस 3 इंटू r माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0. चलिए आगे सॉल्व करते हैं. 3 इंटू 2 6r, 2 इंटू 3 दैट इज 6, माइनस 16r प्लस 8 प्लस 3r माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0. तो 6r माइनस 16r माइनस 10r, माइनस 10r प्लस 3r दिस इज माइनस 7r, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, 6 और 8 14 इक्वल टू 0. तो यहां से आपको मिल जाएगा r इक्वल टू 2. तो r इक्वल टू 2 आपको यहां पर भी मिल रहा है और r इक्वल टू 2 आपको यहां पर मिल रहा है. दोनों स्थितियों में हमें r इक्वल टू 2 मिल रहा है. अतः r का जो मान है उसको हम यहां पर रख देते हैं. मान लेते हैं कि ये बिंदु है A, तो प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक हमें यहां पर मिल जाएगा. अतः प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक आर का मान 2 यहां पर रखिए, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, फिर 2 ऋण 4 गुना 2 ऋण 8, ऋण 8 धन 2 ऋण 6 और 2 ऋण 1 1, तो 9 ऋण 6 1. यह अभीष्ट बिंदु का निर्देशांक है जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को मिलती हैं. प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि रेखाएं x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 4 और x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 2 इक्वल टू z माइनस 9 अपॉन 1 समतलीय हैं. इन रेखाओं को रखने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए. पहले हमें यह सिद्ध करना है कि दोनों रेखाएं समतलीय है. तो दी गई रेखाओं के समीकरण पहला है x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 4 और x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 2 इक्वल टू z माइनस 9 अपॉन 1. तो यहां पर x1 इक्वल टू 1 है, y1 इक्वल टू 1 और z1 इक्वल टू 1. x2 दूसरा वाला बिंदु, x2 इक्वल टू 5, y2 इक्वल टू 7 और z2 इज इक्वल टू 9. इसी प्रकार l1 2 M1 3 N1 4 L2 3 M2 2 और N2 1. तो दी हुई रेखाएं समतलीय होंगी यदि जो सारणिक है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 और ये l1 m1 n1 l2 m2 n2 इसका मान शून्य के बराबर होगा. तो हम सारणिक का मान ज्ञात करते हैं पहले और फिर आगे सरल करेंगे. देखिए x2 माइनस x1 5 माइनस 1 दिस इज 4, y2 माइनस y1 7 माइनस 1 दिस इज 6, 9 माइनस 1 दिस इज 8, l1 2 3 4
और अगेन 3, 2, 1। देखिए यदि पहले रो से हम दो को वैनिश निकाल लें तो मिल जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2, 3, 4 और 3, 2, 1। तो सारणिक में किसी दो पंक्ति या दो स्तंभ के मान यदि समान हो तो सारणिक का मान शून्य प्राप्त होता है। ये किसे हमने लेफ्ट हैंड साइड पर रखा था, तो ये हमको मिल जाएगा चूंकि R1 व R2 सर्वसम है अतः सारणिक के गुणधर्म से इस सारणिक का मान शून्य होगा। तो इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि अतः दी हुई रेखाएं समतलीय है। अब हमें दी हुई रेखाओं को रखने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है। दी गई रेखाओं को रखने वाले समतल का समीकरण तो ये होता है डिटरमिनेंट x माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन और z माइनस जेड वन। ये एल वन एम वन एन वन एल टू एम टू एन टू दैट इज इक्वल टू 0। तो मान रख देते हैं x माइनस एक्स वन तो मिल जाएगा x माइनस वन और फिर ये y माइनस वन और फिर ये z माइनस वन और फिर एल वन एम वन एन वन तो ये आपको मिला था 2, 3, 4 और ये मिला था 3, 2, 1। सारणिक संक्रिया का उपयोग करके भी सरल कर सकते हैं और नहीं तो जिस प्रकार सामान्य रूप से हम सरल करते हैं उस प्रकार से भी सरल कर सकते हैं। तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष मैं यहाँ पर प्रसार कर रहा हूँ x माइनस वन इंटू 3 × 1 = 3, 4 × 2 = 8, फिर माइनस साइन y माइनस वन 2 × 1 = 2 और 4 × 3 = 12, धन z माइनस वन इंटू 2 × 4 और 4 × 9 = 0। तो यहां से हमको मिल जाएगा -5, तो ये मिल जाएगा -5x + 5, फिर -2 × 2 = 12 मिल जाएगा -10, -10 और 4 × 9 तो मिल जाएगा -5, मिल जाएगा -5z + 5 = 0। तो देखिए 5 × 5 = 10 × 5 = 10, ये टोटल कैंसल हो गया और हमें मिल रहा है -5x + 10y + 5z = 0। तो यहां से हम -5 को उभयनिष्ठ निकाल करके कैंसिल कर सकते हैं या -5 से पूरे समीकरण को भाग दे देते हैं तो मिल जाएगा x x + 2y + z = 0। तो ये अभीष्ट समतल का समीकरण है। तो हमने जो सॉल्व किया था मैथमेटिकल मेथड से उसे अब हम जियोजेब्रा से क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि हमें ये बताना है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और उसके प्रतिच्छेद बिंदु या कटान बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो जियोजेब्रा के इनपुट बार में जाकर के हम एक्सप्रेशन लिखेंगे इक्वेशन को x − 3y + 2z + 4 = 0 = 2x + y + 4z + 1। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन है 3x + y + 5z - 1 = 0 = 2y + z। जैसे हमने एंटर प्रेस किया ये दोनों इक्वेशन इक्वेशन से हमें ग्राफ में ग्राफिकल एरिया में स्ट्रेट लाइन मिल चुका है। अब इंटरसेक्ट का ऑप्शन पे जा रहे हैं, ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है और ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है।
इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। ये हमारा पहला स्ट्रेट लाइन और ये हमारा दूसरा स्ट्रेट लाइन, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें ए मिल चुका है और ए का कोऑर्डिनेट है 3, 1, -2, जो कि हमारे उस आंसर से क्रॉस टैली होता है। प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि रेखाएं x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 और 4x माइनस वाई प्लस 5z माइनस 7 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई वाई माइनस जेड माइनस 3 समतलीय हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो दी हुई रेखाओं के समीकरण पहले हम लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 समीकरण एक, और 4x माइनस वाई प्लस 5z माइनस 7 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 2x माइनस 5y माइनस जेड माइनस 3। मान लेते हैं कि समीकरण दो है। माना समीकरण एक की दिक को जाए एल एम एन है, तो इन मानों को हम यहां पर रख देंगे तो हमें समीकरण मिल जाएगा एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0 और दूसरा है 2l प्लस 3m प्लस 4n इक्वल टू 0 और इन दोनों समीकरण को हम वजगुणनखंड विधि से सरल करते हैं तो मिल जाएगा l अपॉन 4 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस m अपॉन 4 माइनस 2 इज इक्वल टू n अपॉन 3 माइनस 2। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा l अपॉन 1 इक्वल टू m अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू n अपॉन 1। तो 1 माइनस 2 1 ये रेखा के दिक अनुपात हैं। तुम लिखेंगे कि रेखा एक के दिक अनुपात 1 माइनस 2 1 है। माना रेखा एक पर कोई बिंदु x1 y1 शून्य है, तब हमें मिल जाएगा x1 प्लस y1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x1 प्लस 3y1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहां से मिल जाएगा x1 अपॉन माइनस 5 प्लस 9 इक्वल टू माइनस y1 अपॉन माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू z1 अपॉन 3 माइनस 2। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा x1 अपॉन 4 इक्वल टू y1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू z1 अपॉन 1। मान लेते हैं कि यह समीकरण 3 है। रेखा 2 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण पहला समीकरण प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समीकरण हम इस प्रकार लिखते हैं। तो यह है 4x माइनस वाई प्लस 5z माइनस 7 प्लस लैम्डा इंटू 2x माइनस 5y माइनस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x, y और z का कोफिशियंट अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं तो x इंटू यहां से आएगा 4, यहां से आएगा 2 लैम्डा प्लस y यहां से आएगा माइनस 1 और यहां से आएगा माइनस 5 लैम्डा, यहां से आएगा z तो ये 5 और प्लस लैम्डा और फिर ये माइनस 7 और माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि ये समीकरण 4 है। अब चाहें तो यहां पर हम ऋण चिन्ह लगा करके इन इन चीजों यहां पर इस पद को धनात्मक बना सकते हैं। तो ये जो रेखा 4 है यदि यह समतल 3 के समांतर है
रेखा चार समतल तीन के समांतर हैं, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस दैट विल बी इक्वल टू जीरो। यदि यह समतल रेखा सो मिल जाएगा वन इंटू दिस, दिस इज फोर प्लस टू लैम्डा प्लस टू इंटू वन प्लस फाइव लैम्डा प्लस वन इंटू फाइव माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो मिल जाएगा फोर प्लस टू लैम्डा प्लस टू प्लस टेन लैम्डा प्लस फाइव माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। तो ये टू लैम्डा प्लस टेन लैम्डा दैट इज ट्वेल्व लैम्डा, ट्वेल्व माइनस वन दैट इज इलेवन लैम्डा, और चार और दो छः, छः और पाँच ग्यारह इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा लैम्डा इक्वल टू माइनस वन। लैम्डा का मान समीकरण चार में रखने पर रेखा एक के समांतर और रेखा दो से होकर जाने वाले समतल का समीकरण है, अतः लैम्डा का मान समीकरण चार में रखने पर रेखा एक के समांतर व रेखा दो से होकर जाने वाले समतल का समीकरण है। आगे लिखेंगे दिस इज फोर माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन माइनस फाइव इंटू वाई प्लस फाइव प्लस वन इंटू जेड माइनस सेवन प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो फोर माइनस टू दैट इज टू एक्स माइनस वन माइनस फाइव माइनस फोर माइनस माइनस प्लस फोर प्लस सिक्स जेड और ये माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। पूरे समीकरण को दो से भाग दे सकते हैं तो एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, या फिर आप लिख सकते हैं एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू टू। मान लेते हैं कि समीकरण पांच है। यह स्पष्ट है कि रेखा एक अर्थात रेखा तीन बिंदु चार ऋण एक शून्य से होकर जाती है और यह बिंदु समतल पांच पर भी है। तो इस प्रकार रेखा एक समतल पांच में स्थित है और यह दी हुई रेखाएं समतलीय है, यही हमें सिद्ध करना था। स्पष्ट है कि रेखा एक या रेखा तीन बिंदु चार ऋण एक शून्य से होकर जाती है और यह बिंदु समतल पांच पर भी है। इस प्रकार रेखा एक समतल पांच में स्थित है, अतः दी हुई रेखाएं समतलीय है, यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न दिया है कि सिद्ध कीजिए कि रेखाएं x माइनस थ्री वाई प्लस टू जेड प्लस फोर इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई प्लस फोर जेड प्लस वन और 3x प्लस 2y प्लस 5z माइनस 1 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2y प्लस z एक दूसरे को काटती है, कटान बिंदु ज्ञात कीजिए। तो पहली बात ये कि हमें सिद्ध करना है कि ये जो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, उसके बाद हमें प्रतिच्छेद बिंदु या कटान बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हम यह लिखते हैं कि यदि दी हुई रेखाओं के कटान बिंदु x डैश y डैश z डैश है।
अगर देख यदि दी हुई रेखाओं के कटान बिंदु एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है, तो ये बिंदु का निर्देशांक उन रेखाओं के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तब हम लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टू जेड प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, ये दिया हुआ है। तो एक्स वाई और जेड को एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमें समीकरण मिल गया, माना यह समीकरण एक है। इसी प्रकार दूसरा समीकरण दिया गया है 2x प्लस वाई प्लस फोर जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, माना है समीकरण दो है। फिर से x डेस y डेस और z डेस करना है। सिमिलरली तीसरा समीकरण है 3x प्लस टू वाई प्लस फाइव जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x डेस y डेस और ये z डेस, ये समीकरण तीन। और अंत में दिया है 2y धन z इक्वल टू जीरो, तो ये y डैश और ये z डैश, मान लेते हैं कि समीकरण चार है। समीकरण एक दो तीन चार, इससे यदि हम सारणिक के रूप में परिवर्तित करें तो इसे लिखा जा सकता है एक्स वाई और z, x डैश y डैश और z डैश को विलोपित कर देते हैं, बाकी जो कोफिशियंट्स हैं गुणांक हैं उनको लिखते हैं। जैसे कि इसका गुणांक है एक, फिर ऋण तीन, फिर दो और चार। इसी तरीके से दो एक चार एक तीन दो पांच ऋण एक और शून्य दो एक और शून्य, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम कुछ संक्रिया का उपयोग करेंगे और फिर इसे सरल कर पाएंगे। या तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष या प्रथम स्तंभ के सापेक्ष भी हम प्रसार कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉलम नंबर वन है इस तरीके से, और यदि देखा जाए तो ये रो नंबर वन, ये रो टू, रो थ्री और ये रो फोर। तो हम ये कर रहे हैं कि कॉलम वन में दो का गुणा कर रहे हैं और उसके बाद कॉलम थ्री से इसको सब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं कॉलम वन बिकम्स टू टाइम्स कॉलम वन माइनस सी थ्री। तो इसका मतलब ये संक्रिया हम लगा रहे हैं। तो देखिए इसमें जब आप दो का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा ये दो चार छ और शून्य। अब इसमें सी थ्री को घटा रहे हैं, कॉलम थ्री मतलब ये दो ऋण चार और ये ऋण पांच और ये ऋण एक, फिर ये है ऋण तीन दो चार एक चार एक दो पांच ऋण एक दो एक और शून्य। अब इसे सरल करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा शून्य 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 और ये एक और ये ऋण एक, फिर ये ऋण तीन एक दो 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 चार पांच एक और फिर चार एक ऋण एक और शून्य। अब हमारा ये जो रो थ्री है, रो थ्री प्लस रो फोर कर देते हैं, तो अल्टीमेटली यहां पर हमें मिल जाएगा शून्य ऋण तीन दो चार शून्य एक चार एक, रो थ्री बिकम्स मतलब इसमें हम इसको ऐड कर देंगे तो वन माइनस वन दैट विल बी जीरो, और इसको ऐड करेंगे मिल जाएगा फोर, इसको ऐड करेंगे मिल जाएगा सिक्स और इसको ऐड करेंगे मिल जाएगा माइनस वन, और फिर ये माइनस वन टू वन और जीरो। प्रथम स्तंभ के सापेक्ष हम प्रसार कर देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा माइनस वन इंटू दिस डिटर्मिनेंट दैट इज माइनस थ्री टू फोर वन फोर वन और फोर सिक्स माइनस वन। इस कॉलम के सापेक्ष हम प्रसार कर रहे हैं तो इसके साथ इसका जो इस रो और कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं इसको हम हाइड कर देंगे, तो उसके बाद जो बचेगा ये उपसारणिक हमें मिल रहा है जो कि है ऋण तीन दो चार एक और चार छ ऋण एक। अब फिर इसे सरल करेंगे तो अभी ये थ्री बाई थ्री का डिटर्मिनेंट या सारणिक है, इसे सरल करते हैं तो ये माइनस साइन है, फिर ये माइनस थ्री इंटू इस रो और कॉलम को हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं, ये बचेगा चार एक छ ऋण एक, फिर ऋण चिन्ह होता है उसके बाद ये वाला पद
इस रो और कॉलम को छुपा दीजिए, 1 4 1 माइनस 1, 1 4 1 माइनस 1। इसके बाद ये वाला एलिमेंट 4, और फिर इस रो और कॉलम को हाइड कीजिए, ये मिलेगा 1 4 4 6। सारणी को ऐसे हल करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सिमिलरली दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस साइन, माइनस 3, 4 और ऋण 1 का गुणा करेंगे मिल जाएगा ऋण 4, और फिर ऋण चिन्ह 6, फिर ऋण 2, ये मिल जाएगा ऋण 1, और ये ऋण 4, धन 4, 6 ऋण 16। सॉल्व करेंगे माइनस साइन, ये 6 और 4 10, और ऋण और धन धन, ऋण ऋण धन। इसी तरीके से ऋण 1 ऋण 4 तो ऋण 5, 5 और 2 का गुणा करेंगे 10, तो मिल जाएगा धन 10। 6 ऋण 16 करेंगे मिल जाएगा ऋण 10, ऋण 10 गुणित 4 करेंगे मिल जाएगा ऋण 40। तो देखिए ये 30 और 10 40 और ये 40, तो अल्टीमेटली हमें मिल रहा है शून्य। तो शून्य मिल जाने से यह सिद्ध होता है कि जो दी हुई रेखाएं, अतः सिद्ध हुआ कि दी गई रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, अब प्रश्न का जो दूसरा भाग है उसमें हमें कटान बिंदु के निर्देशांक या प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हमारा जो समीकरण था ये है x डैश माइनस 3y डैश प्लस 2z डैश प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण एक था, और हमारा जो समीकरण दो है ये है 2x डैश प्लस y डैश प्लस 4z डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और समीकरण तीन है 3x डैश धन 2y डैश धन 5z डैश ऋण 1 बराबर 0, समीकरण 3, और 2y डैश धन z डैश इक्वल टू 0, समीकरण 4। एक काम करते हैं कि समीकरण 1, 2, 3, 4 को हल करके हमें z का मान ज्ञात करना है, विलोपन विधि का उपयोग करते हैं। उसके लिए हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 1 में अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x डैश माइनस 6y डैश प्लस 4z डैश प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो आपका समीकरण 2 है, मान लेते हैं कि हमारा जो प्राप्त हो रहा है समीकरण 5 है। अब ये समीकरण 2 में समीकरण 5 को घटा देते हैं, तुम लिखेंगे समीकरण 2 ऋण समीकरण 5 से, 2 में 5 को घटाएंगे तो ये 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, y डैश माइनस माइनस प्लस 6y डैश तो मिल जाएगा 7y डैश, ये 4z डैश कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 8 करेंगे मिल जाएगा -7 इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर यहाँ पे मिल जाएगा y डैश इक्वल टू 1 हमें मिल चुका है समीकरण 4 में। देखिए तो समीकरण 4 से हम लिख सकते हैं z डैश इक्वल टू -2 इंटू y डैश मिल जाएगा -2 इंटू 1 दैट इज -2। तो इस तरीके से आपको मिल गया z डैश इक्वल टू -2, y डैश मिल गया, z डैश मिल गया, x डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 से x डैश माइनस 3 इंटू y डैश की वैल्यू है 1, प्लस 2 इंटू z डैश इसकी वैल्यू है -2, ये प्लस 4 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं, ये x डैश माइनस 3 माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 0, ये दोनों टर्म कैंसिल, तो यहां से आपको मिल जाएगा x डैश इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हमें जो बिंदु का निर्देशांक चाहिए था x डैश y डैश और z डैश ये हमें मिल चुका है। तो हम लिखेंगे कि अतः अभीष्ट कटान बिंदु x डैश y डैश z डैश था, x डैश की वैल्यू है 3, y डैश की वैल्यू है 1, और z डैश की वैल्यू है -2 है, और यही हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न है कि दो रेखाओं x-1/2 इक्वल टू y-2/3 इक्वल टू z-3/4 और x-2/3 इक्वल टू y-3/4 इक्वल टू z-4/5 के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
तो पहले हम दी हुई रेखाओं के समीकरण ज्ञात करेंगे और पहली और दूसरी रेखा पर क्रमशः किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। देखेंगे दी हुई सरल रेखाओं के समीकरण हैं। पहला है x माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू y माइनस टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू z माइनस थ्री अपॉन फोर इक्वल टू r माना, और x माइनस टू अपॉन थ्री इक्वल टू y माइनस थ्री अपॉन फोर इक्वल टू z माइनस फोर अपॉन फाइव इक्वल टू आर डैश माना। तो पहली जो रेखा है पर किसी बिंदु के निर्देशांक तो प्रथम पद और अंतिम पद की तुलना करेंगे तो मिल जाएगा x माइनस वन इक्वल टू टू आर और x इक्वल टू टू आर प्लस वन। तो ये टू आर प्लस वन, फिर है थ्री आर प्लस टू, फिर फोर आर प्लस थ्री तथा इसी प्रकार दूसरी रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक तो हमें क्या मिल जाएगा थ्री आर डैश प्लस टू, फोर आर डैश प्लस थ्री और फाइव आर डैश प्लस फोर है। तो इन दोनों रेखाओं पर हमने किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लिया। यदि दोनों रेखाएं समतली हैं तो वे किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी और r तथा r डैश इन्हीं मानों के लिए उपर्युक्त बिंदु संपाती होंगे। इसका मतलब ये है कि इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा और इसका z कोऑर्डिनेट और इसका z कोऑर्डिनेट इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे कि उपर्युक्त प्रतिच्छेद बिंदु बिंदु के लिए 2r प्लस वन इज इक्वल टू 3r डैश प्लस टू, इन दोनों का x कोऑर्डिनेट बराबर है। उसी तरीके से 3r प्लस टू इज इक्वल टू 4r डैश प्लस थ्री और 4r प्लस थ्री इज इक्वल टू 5r डैश प्लस फोर। तो अल्टीमेटली हमें r r डैश में समीकरण ज्ञात करने हैं। तो देखिए इस 3r को लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो पहला है 2r माइनस 3r डैश, 1 माइनस 2 मिल जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से ये 3r माइनस 4r डैश और 2 माइनस 3 करेंगे मिल जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0 और इस समीकरण से मिल जाएगा 4r माइनस 5r डैश और ये 3 माइनस 4 तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मान लेते हैं कि ये जो निर्देशांक है ये एक है, ये दो है, ये समीकरण तीन, ये समीकरण चार और ये समीकरण पांच। समीकरण तीन और चार को हम वज्रगुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण तीन व चार में वज्रगुणनखंड विधि से तो मिल जाएगा आर अपॉन ऋण तीन और ऋण एक का गुणा करेंगे मिल जाएगा तीन, ऋण ऋण चार और ऋण एक का गुणा करेंगे मिल जाएगा धन चार। इसी प्रकार माइनस आर डैश अपॉन दो और ऋण एक का गुणा करेंगे मिल जाएगा ऋण दो, ऋण तीन और ऋण एक का गुणा करेंगे मिल जाएगा ऋण तीन और ऋण धन। इसी तरीके से एक बटे दो और ऋण चार का गुणा करेंगे मिल जाएगा ऋण आठ, फिर ऋण चिन्ह तीन और ऋण तीन का गुणा करेंगे मिल जाएगा ऋण नौ और ऋण धन नौ। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आर अपॉन माइनस वन इक्वल टू माइनस आर डेस अपॉन ये थ्री माइनस टू करेंगे तो मिल जाएगा वन। तो ये जो नेगेटिव साइन है इसको मैं डिनोमिनेटर में लगा देता हूँ। इसी प्रकार वन अपॉन वन तो यहाँ से आपको आर इक्वल टू मिल जाएगा माइनस वन और आर डेस इक्वल टू मिल जाएगा माइनस वन। तो ये दोनों मान हमें प्राप्त हो चुका है आर और आर डैश का। तो इससे स्पष्ट है कि चूंकि ये जो दोनों मान हैं
हमें समीकरण दो और समीकरण तीन और चार से मिले हैं। इन दोनों मान को हम यहाँ पर रख देते हैं समीकरण पांच में। तो आर व आर डैश का मान समीकरण पांच को संतुष्ट करता है। वो कैसे करता है देखिए, आर का मान यहां पर रखिए, मिल जाएगा माइनस फोर और ये माइनस वन, मिल गया माइनस फाइव। और ये आर डेज का मान माइनस वन है तो माइनस माइनस प्लस फाइव, तो प्लस फाइव माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये आर और आर डेज का जो मान है समीकरण पांच को संतुष्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो दी हुई रेखाएं हैं यह समतली है। अतः सिद्ध हुआ कि रेखाएं समतलीय है। अभीष्ट प्रतिच्छेद बिंदु या अभीष्ट कटान बिंदु के निर्देशांक समीकरण एक या दो किसी भी एक में मान को रख दीजिए। तो मान के चलते कि समीकरण एक में हमने मान रख दिया, तो ये मान यहां पर रखिए, तो टू इंटू माइनस वन माइनस टू, माइनस टू प्लस वन दैट इज माइनस वन, फिर थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, माइनस थ्री प्लस टू अगेन माइनस वन, और यहां पर भी फोर इंटू आर तो माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन है। तो जो हमें बिंदु के निर्देशांक चाहिए थे ये माइनस वन माइनस वन माइनस वन है। अप्रतिच्छेदी रेखाएं या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस और स्क्यू लाइंस, वे रेखाएं जो ना तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ना ही समांतर हैं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। जिन रेखाओं में से समतल ना जा सके अर्थात जो असमतलीय हो अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। दो विषमतल रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, दो विषमतल रेखाओं द्वारा उन सरल रेखाओं पर जो उन दोनों पर लंब हैं, अंतःखंडित भाग दोनों विषमतल रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कहलाती है। दो अप्रतिच्छेदी रेखाओं पर उभयनिष्ठ लंब की लंबाई न्यूनतम दूरी होती है। यदि दो सरल रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी स्पष्टतः शून्य होगी। यदि दोनों सरल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी की रेखा इन दोनों रेखाओं में से प्रत्येक के लंबवत होगी। इस रेखा के इन रेखाओं के बीच कटे भाग की लंबाई दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कहलाती है। चित्र में L1 L2 दो अप्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। चित्र में L1 व L2 दो अप्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। रेखा L L1 और L2 में से प्रत्येक के लंबवत है। रेखा L का रेखाओं L1 व L2 के बीच प्रतिच्छेदित भाग PQ है। तब रेखाखंड PQ की लंबाई रेखाओं L1 व L2 के बीच की न्यूनतम दूरी है। दो रेखाएं समतलीय हो और प्रतिच्छेदी हो तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी शून्य होगी। दो अप्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। माना दो अप्रतिच्छेदी रेखाओं के कार्तीय रूप में समीकरण है x माइनस अल्फा वन अपॉन L1 इक्वल टू y माइनस बीटा वन अपॉन M1 इक्वल टू z माइनस गामा वन अपॉन N1 इक्वल टू R1 समीकरण एक, तथा x माइनस अल्फा टू अपॉन L2 इक्वल टू y माइनस बीटा टू अपॉन M2 इक्वल टू z माइनस गामा टू अपॉन N2 इक्वल टू R2 समीकरण दो, जहां a अल्फा वन बीटा वन गामा वन एक रेखा पर तथा c अल्फा टू बीटा टू गामा टू दूसरी रेखा पर स्थित बिंदु है। L1 M1 N1 तथा L2 M2 N2 क्रमशः दोनों रेखाओं के दिक अनुपात हैं। माना PQ दोनों रेखा पर लंब है अर्थात AB और CD पर, तथा LMN PQ रेखा के दिक अनुपात हैं। चूंकि PQ
रेखाओं ए बी और सी डी पर लंब हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं एल एल वन प्लस एम एम वन प्लस एन एन वन इक्वल टू जीरो, एल एल टू प्लस एम एम टू प्लस एन एन टू इक्वल टू जीरो। इन दोनों समीकरणों को वज्रगुणनखंड विधि का उपयोग करके हम हल इस प्रकार लिख सकते हैं, एल अपॉन एम वन एन टू माइनस एम टू एन वन इक्वल टू एम अपॉन एन वन एल टू माइनस एन टू एल वन इक्वल टू एन अपॉन एल वन एम टू माइनस एल टू एम वन। यदि लेमडा म्यू न्यू रेखा पी क्यू के दिक अनुपात हो तो हम लिख सकते हैं कि लेमडा इक्वल टू एम वन एन टू माइनस एम टू एन वन होल अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एम वन एन टू माइनस एम टू एन वन स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एन वन एल टू प्लस एन टू एल वन होल स्क्वायर प्लस एल वन एम टू माइनस एल टू एम वन होल स्क्वायर। सरल करने पर हम इसे सिग्मा के रूप में निरूपित करना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि लेमडा इक्वल टू एम वन एन टू माइनस एम टू एन वन होल अपॉन स्क्वायर रूट ओवर सिग्मा एम वन एन टू माइनस एम वन एन टू का होल स्क्वायर। इसी प्रकार म्यू इक्वल टू एन वन एल टू माइनस एन टू एल वन अपॉन होल अपॉन स्क्वायर रूट ओवर सिग्मा एम वन एन टू माइनस एम टू एन वन होल स्क्वायर तथा न्यू इक्वल टू एल वन एम टू माइनस एल टू एम वन होल अपॉन स्क्वायर रूट ओवर सिग्मा एम वन एन टू माइनस एम टू एन वन का होल स्क्वायर। सारणी के रूप में यदि हमें न्यूनतम दूरी लिखने के लिए कहा जाए तो हम 3/3 का एक सारणिक लिखेंगे जिसके प्रथम रो के अवयव हैं अल्फा वन माइनस अल्फा टू, बीटा वन माइनस बीटा टू, गामा वन माइनस गामा टू। दूसरे रो के अवयव हैं एल वन एम वन एन वन, तीसरे रो के अवयव हैं एल टू एम टू एन टू। देन होल अपॉन मतलब इस सरणी को सरल करके हम भाग देंगे स्क्वायर रूट ओवर सिग्मा एम वन एन टू माइनस एम टू एन वन का होल स्क्वायर। यदि दी हुई रेखाएं समतलीय हो तो न्यूनतम दूरी शून्य होगी अर्थात सिग्मा अल्फा वन माइनस अल्फा टू इंटू एम वन एन टू माइनस एम टू एन वन इक्वल टू जीरो मिलेगा। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न।